कुंभ राशि के बारे है, एक्वेरियस एंड एक्वेरियस भी काफी रेस्टलेस रहे पिछले 1.5 साल से, बिकॉज राहु एंड केतु वर ट्रबलिंग देम इन अ वे, एंड बहुत सारी चीजों पे डाउट भी हुआ, गिला शुभा शुको शिकवा भी और शुभा भी, वो वर्ड यूज कर रहा था मैं, थोड़े से ज्यादा उर्दू हो गई, तो वो उसकी वजह से काफी रेस्टलेस रहे, लेकिन बहुत जल्द मिड ऑफ मार्च से ये एक चेंज होने वाला है, एंड दैट विल गिव देम लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। एक्वेरियस में ऑल्सो गेट मैरिड, उन और कई लोगों की शादी हुई भी है, एंड अब आपकी शादी होनी चाहिए, और आपको जरूर ज्योतिष जी कहेंगे कि आपके साढ़े शादी चल रही है भाई साहब, लेकिन देखिए शादी होने के बाद तो साढ़े शादी चले ना चले स्ट्रेस तो हो ही जाता है, तो टेक इट एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो डोंट थिंक नेगेटिव अबाउट इट, एंड दिस एवरीथिंग इज गुड, देर इज नथिंग रॉन्ग इन योर चार्ट नाउ। अच्छी बात क्या है कि मार्च के बाद राहु विल कम थर्ड, यू नो इट विल बी ट्रांजिटिंग थर्ड फ्रॉम योर मून साइन, एंड दैट विल गिव यू लॉट ऑफ करेज। तो एक बच्चन साहब की कविता है, बच्चन साहब की नहीं है, बच्चन साहब सुनाते बहुत खूबसूरत तरीके से, तो कई लोगों को लगा कि उन्हीं की है, लेकिन वो किसी और ने लिखी, जो नाम भूल गया, मुझे याद होना चाहिए था। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं क्या है पूरी कविता अभी सुनाऊंगा तो और लेट हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि हम आगे बढ़ जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो दे विल बिलीव इन इनिशिएटिव एक्वेरियंस, और कोशिश करने करके ही दे विल अटेन व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग इन द कमिंग 1 ईयर। अमेजिंग।